Hello students, good morning. Today we are going to study this chapter number 2. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. इसका मतलब है हम मरने से नहीं डरते हैं. Afraid मतलब होता है डरना, अगर हम सभी एक साथ रह सकते हैं तो. हम यहाँ पे डियर उसके लिए आ रहा है जो ऑथर इसमें बता रहा है, जिस ग्रुप को, उसके लिए वी का यूज़ किया गया है. और इसको लिखा है गॉर्डन जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने. ध्यान से समझे क्या लिखा है इसमें. इन जुलाई 1976 में माय वाइफ मैरी, देखो यहाँ जब ये बोल दिया गया ना माय वाइफ, यानी कि जो इसको लिखने वाला है वो ऑथर है. माय वाइफ मैरी यानी कि ऑथर की वाइफ मैरी, सन जोनाथन सिक्स जिसकी उम्र 6 साल थी, उसका बेटा जोनाथन था, डॉटर सुजैन थी जिसकी उम्र 7 ईयर्स थी, एंड आई सेट सेल फॉर प्लायमाउथ इंग्लैंड. हमने एक सेल सेट की, हमने एक सेल शुरुआत शुरू की. सेल का मतलब होता है अपनी नाव को चलाना शुरू किया है. कहाँ? प्लायमाउथ इंग्लैंड से हम अपनी नाव में बैठ कर गए विजिट करके. इसके लिए टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, जो वर्ल्ड का वॉयेज था, जो वर्ल्ड की यात्रा थी उसको कॉपी करने के लिए, यानी कि जो वर्ल्ड की यात्रा पहले किसी ने कर रखी थी उस वर्ल्ड की यात्रा को हम डुप्लीकेट करने के लिए गए थे. यानी कि वही जैसी जैसी यात्रा उन्होंने की थी वैसी वैसी यात्रा भी करने के लिए हम गए थे. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है. और इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर करवा दूँ. वो जो वॉयेज है, वॉयेज का मतलब होता है कि यात्रा. तो ये यात्रा समुद्री यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड पर्टिकुलरली. मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. ये जो यात्रा थी, इसी की यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी. इसी यात्रा को करने के लिए कौन जा रहे थे? ऑथर, उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी वाइफ इस यात्रा को करने के लिए जा रहे थे. फिर डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कहता है इतने लंबे समय के लिए मैरी एंड आई अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. यानी कि बहुत लंबे समय से मैंने और मेरी वाइफ ने, मेरी उम्र 37 ईयर्स थी और मैं एक बिजनेसमैन था, उन्होंने एक सपना देखा कि हम सेल करने के लिए ज़रूर जाएंगे उस फेमस एक्सप्लोरर की तरह. जो फेमस एक्सप्लोरर था ना जेम्स कुक, जिसने पहले एक्सप्लोरर होता है खोज करने वाला, जिसने पहले खोज करने की कोशिश की थी, उसकी वेक में, उसकी याद में हम जाएंगे. जैसे उसने किया ऐसे ही हम जाएंगे. जो रास्ता उसने हमें दिखाया उस रास्ते पर ही हम जाएंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. वो कहता है पिछले जो 16 साल थे, उन पिछले 16 सालों में जो हमारा लेजर टाइम था, लेजर का मतलब कंफर्टेबल टाइम, जहाँ पे हम आराम करते थे, मस्ती का जो हमारा टाइम था, उस सारे समय को हमने हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स में लगा दिया. हॉनिंग आवर सी फेयरिंग का मतलब सी में कैसे यात्रा करते हैं उसके स्किल्स को शार्पन करने में, शार्पन का मतलब उनको तीव्र करने में हमने अपना पूरा समय लगा दिया. कहाँ लगाया? इन ब्रिटिश वाटर्स. कहाँ पे? ब्रिटिश वाटर्स में. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मैनी टाइम्स, दैट यू शुड हैव योर रफ नोट पैड वाइल आई टेल यू डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. वो कहता है यहाँ पे नरेटर कि जो हमारी बोट थी उसका नेम वेव वॉकर था और ये 23 मीटर लंबी थी और 30 टन इसका वेट था. लकड़ी की बनी हुई थी, बहुत सुंदर थी और हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको प्रोफेशनली बनाया हुआ था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, हमको कई महीने लग गए थे इसको फिट करने में. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जो भी हमें रफेस्ट वेदर मिला जब इसको टेस्ट कर रहे थे कि ये हमारी यात्रा के लिए ठीक रहेगी नहीं रहेगी बोट, तो हम हर रफ से रफ वेदर में गए यात्रा करने के लिए. फिर वो कहता है द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लैंड
3 ईयर्स जो हमने प्लान कर रखा था 3 साल का, उसका जो पहला फेज था उसमें 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट ब्रिलियंटली, इतनी जर्नी तो हमने बड़े प्यार से बिता दी एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और जो जो अफ्रीका का जो कोस्ट था वहाँ से हम वेस्ट कोस्ट, वहाँ से हम केप टाउन गए थे। केप टाउन एक जगह है भाई, सिटी का नेम है, अफ्रीका भी आप यू नो वेरी वेल। तो देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट में जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, तो हमने 2 क्रूमैन ले लिए। क्रूमैन मतलब हेल्पर होते हैं, ये जो पायलट वगैरह होते हैं शिप के, शिप का तो वो होता है ना कैप्टन, कैप्टन वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं। 2 हेल्पर ले लिए, अमेरिकन लैरी विजिल, लैरी विजिल तो अमेरिका का था, एंड स्विस हर्ब सेलर, और हर्ब सेलर कहाँ का था, स्विट्ज़रलैंड का था। ये दोनों हमने हेल्पर ले लिए ताकि वो हमारी मदद कर दें, किस में, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट की सीज, ताकि वो हमारी मदद कर दे जो वर्ल्ड का रफेस्ट सी था। रफेस्ट सी का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सी था, द साउथर्न इंडियन ओशियन, जिस सी को साउथर्न इंडियन ओशियन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और दोनों पैराग्राफ से कम 8-10 क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो 8-10 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन बन जाता है, व्हेन डिड दे स्टार्ट देयर वॉयेज, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर्स वाइफ एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर्स सन, व्हाट वाज हिज एज, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर्स डॉटर, व्हाट वाज हर एज, है ना, वेयर डिड दे स्टार्ट देयर सेल फ्रॉम, उन्होंने अपनी सेल यानी कि अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, और व्हाट वॉयेज वर दे डूइंग, कौन सी वॉयेज वो कर रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वॉज द एज ऑफ द ऑथर व्हेन दिस वॉयेज वॉज स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ डू ऑल थ्रू द 16 ईयर्स, या व्हाट डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ डू टू प्रिपेयर फॉर द, टू प्रिपेयर द वॉयेज ऑन द सी लैंड, सी जो सी है, सी फेयरिंग, फॉर द सी फेयरिंग क्वेश्चन ये बनेगा आपका, व्हाट डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ डू ऑल थ्रू द 16 ईयर्स फॉर द सी फेयरिंग, सी फेयरिंग के लिए ऑथर ने, उसकी वाइफ ने क्या किया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वेव वॉकर, व्हाट इज द नेम ऑफ बोट, बोट का नेम क्या था, वेव वॉकर था, एंड व्हाट वाज द लेंथ ऑफ इट एंड वेट, व्हाट वाज द लेंथ एंड वेट ऑफ द वेव वॉकर, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1-1 मार्क्स के लिए, हाउ डिड दे प्रिपेयर, हाउ डिड दे प्रिपेयर टू गो ऑन द वॉयेज, वॉयेज पर जाने के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड दे पास प्लीजेंटली, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे पास प्लीजेंटली, ये आपका क्वेश्चन है। और whom whom did they take for their help on the voyage, ये questions आपके बन जाते हैं। इन सारे questions को dear students आपको आना चाहिए, इन सारे questions को आप करेंगे। उसके बाद dear हम next page पे चलते हैं, next page मैं आपके लिए set कर देता हूँ, ये देखें page आपको ध्यान से लिखना चाहिए, और नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और आपके लिए close कर देता हूँ, और इसको close के साथ साथ थोड़ा सा clear भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर क्लियरिटी के साथ में दिखाई दे जाए। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, ऑन आर सेकंड डे, जब हमारा दूसरा दिन था आउट ऑफ केप टाउन, जब केप टाउन से हम चल दिए, साउथ अफ्रीका से गए थे ना केप टाउन की तरफ, जो केप टाउन से वो चल दिए और उनका सेकंड डे था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो हमने स्ट्रॉन्ग गेल्स को एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। एनकाउंटर क्या होता है, फेस करना। स्ट्रॉन्ग गेल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जो तेज़ी से चल रही होती हैं हवाएं, उनको बोलते हैं करंट्स बोल सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो जो हवाएं थी ऐसे ही चलती रही लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो ये हवाएं चल रही थी ना इतनी तेज़ी से, इन्होंने मुझे वरी नहीं किया, इनसे मैं चिंतित नहीं हुआ इन हवाओं के चलने से। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स उठ रही थी ना, जो वेव्स बोलते हैं जो लहरें होती हैं समुद्र में, वो जो उठ रही थी वो बहुत ज़्यादा मुझे डराने वाली थी।
अप टू 15 मीटर्स लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक थी वे, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जितना ऊंचा हमारा मेन मास्ट था ना उसकी जितनी ऊंची थी ये वे हमारा मेन मास्ट। मास्ट किसको बोलते हैं? मास्ट देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो शिप होता है या बोट होती है, बोट को चलाने के लिए जहाँ कपड़ा बांधा जाता है उस वुडन पोल को बोला जाता है। जैसे मैं आप अगर इसमें पीछे दिखा रखा होगा तो आपको बता देता हूँ कि ये, हाँ ये रहा देखिए, ये शिप, ये बोट है, बोट को चलाने के लिए ये जो पोल है इस पोल को मास्ट बोला जाता है, और इस पे जो ये कपड़ा लगा हुआ है इस कपड़े को सेल बोल देते हैं, जिप बोल देते हैं, और ये जिप, ये भी जिप है, इस पार्ट को स्टर्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस पार्ट को? स्टर्न बोल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको डैक बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई। मेन सेल इसको बोल, मेन सेल इसको बोल सकते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान से समझें, यहाँ जो बने होते हैं वो केबिन होते हैं, केबिन बोल सकते हैं। इन वर्ड्स को आप समझ लें ताकि आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। फिर देखिए वो कहता है, हाँ अब आपको शायद क्लियर दिख रहा है, हाँ वो कहता है दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और जो हम 25 दिसंबर को केप टाउन के से 3500 किलोमीटर दूर ईस्ट में जा चुके थे। फिर 25 दिसंबर आपको पता है इम्पोर्टेंट डे होता है ईस्टर्न कंट्रीज़ में, क्या होता है उस दिन, व्हाट हैपेंस 25 दिसंबर, इट इज़ क्रिसमस डे। तो कहता है डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, वो कहता है कि इतना जो वेदर था ना बहुत एट्रोसियस था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत अत्याचार करने वाला था। एट्रोसियस मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं डेंजरस, ऑपरेसर, खतरनाक वेदर था, उसके होने के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमारा जो हॉलीडे था वो बहुत वंडरफुल था, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री के साथ वो कंप्लीट हो गया। उस दिन को हमने क्रिसमस ट्री के साथ बिताया 25 दिसंबर को, जबकि इतना खतरनाक मौसम था भाई, समुद्र में कोई इंसान है, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और हवाएं तेज़ी से चल रही हैं, समुद्र में अगर शिप पलट गई, शिप टूट गई तो वहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, कितना खतरनाक मौसम था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट किया। कहता है न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्पोर्टेंट इन द वेदर, कहते जो न्यू ईयर का जो दिन आया तो उसमें हमें कोई वेदर में कोई अच्छा इम्पोर्टेंट वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, कोई अच्छा उसमें बदलाव नहीं आया। बट वी रीजंड, लेकिन हमको हमारे पास कारण था दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये ज़रूर चेंज हो जाएगा, एंड इट डिड, और ये चेंज भी हुआ, इट डिड चेंज, इसमें बदलाव आया भी फॉर द वॉर्स, लेकिन सही बदलाव नहीं आया, और ज़्यादा बुरा बदलाव, और ज़्यादा बेकार हो गया मौसम, है ना भाई। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये पैराग्राफ हुए हैं, इन पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उनको पूछ लूँ। कहता है ऑन आवर सेकंड, ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेयर डिड दे रीच फ्रॉम ऑन द सेकंड डे ऑफ केप टाउन, ये क्वेश्चन हो सकता है, और व्हाट डिड दे फेस ऑन 25 दिसंबर, व्हाट काइंड ऑफ वेव्स दे वर फेसिंग, ऐसे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ डिड दे सेलिब्रेट 25 दिसंबर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वाज द चेंज इन द वेदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एट डॉन ऑन जनवरी 2, यानी कि 2 जनवरी की सुबह सुबह, डॉन होता है बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग जो होती है, भोर जिसे कहते हैं, द वेव्स वर गिग्नेटिक, जो वेव्स थी गिग्नेटिक थी, बड़ी बड़ी थी, वेरी बिग वेव्स थी। वेव्स क्या होती है? समुद्र के पानी की जो लहरें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम अपनी हमारी जो नाव थी उसमें छोटा जिप हमने बांधा हुआ था, जो बड़े वाले जिप को नहीं इन्होंने यूज़ कर रहे थे, ये छोटे स्मॉल जिप को। जिप क्या होता है? वो कपड़ा होता है ना जिसकी वजह से हवा लगने से ये चलता है शिप। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और ये 8 नोट पर चल रहा था। नोट क्या होता है? ये यूनिट है स्पीड को नापने की, शिप की स्पीड की नाट, इतनी स्पीड में वो चल रहा था 8 नोट की स्पीड में। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टू वार्ड अस, कहता है जैसे ही शिप
ऊपर की तरफ गया, वेव के ऊपर आया, लहरों के ऊपर जैसे शिप आया, तो हमने देखा ख़त्म नहीं होने वाला इनॉर्मस वेरी बिग सी रोलिंग दाव हमारी तरफ लुढ़का हुआ आ रहा था, एंड द स्क्रीमिंग, और वो स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो विंड की स्क्रीमिंग थी, चीखने की जो आवाज़ थी हवाओं की, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्प्रे आ रहा था पानी का, पानी जैसे वो कर रहे थे फुहार सी आती है, जैसे वेव्स उठ रही थी, गिर रही थी, हवा चल रही थी, तो उससे जो स्प्रे आ रहा था, जो उससे वो हवा से जो बौछार आ रही थी, उन बौछारों से भाई बहुत पेनफुल था हमारे कानों के लिए, बड़ा डर लग रहा था हमको टू स्लो द बोट। अब हमने क्या किया यार, इतनी तो वेव्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं और तो स्पीड में तो चल ही नहीं सकता ये हमारा सिर, तो हमने बोट को स्लो करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने जो स्टॉर्म वाला जो जिप होता है, जो स्टॉर्म का सामने करने वाला जिप होता है, उसको हमने डाउन कर दिया, नीचे कर दिया, एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और लैस्ट का मतलब बांध दिया एक हैवी मूरिंग रोप, एक अच्छी किस्म का जो रस्सा था, मजबूत किस्म के रस्से को लूप में फंदा बनाकर अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न में बांधे, स्टर्न पीछे का हिस्सा होता है ना, मैंने बताया था आपको, वहाँ बांध दिया ताकि वो स्पीड कम हो जाए। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर एक चीज़ को डबल डबल बांध दिया, वेंट थ्रू आर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हमारी जो लाइफ रैफ्ट ड्रिल थी, जीवन को बचाने वाली जो एक्सरसाइज थी, हमने वो करनी शुरू कर दी डबल, और अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने जो लाइफ लाइन्स थी जो उसमें बनी हुई थी बोट में, उनको उनके पास हम बैठ गए जाके, और हमने जैकेट्स को पहन लिया जिससे हम ताकि पानी में गिर भी जाएं तो डूबे ने लाइफ की जो लाइफ जैकेट होती हैं, और बस इंतज़ार करते रहे, देखेंगे भाई क्या होना है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसका इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, वो कहता है एड यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को लिख लें, वट डिड दे फाइंड ऑन जनवरी 2, या व्हाट डिड दे सी ऑन जनवरी 2, ये क्वेश्चंस आप लिख सकते। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन देयर शिप, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिड दे सी व्हेन द शिप वाज ऑन द वेव्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाउ डिड दे व्हाई डिड दे लैस देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को लैस क्यों कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो पहले जो इंडिकेशन इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू, आने वाला जो डिजास्टर था, आने वाला जो विनाश था, आने वाला जो जो नुकसान होने वाला था, डिजास्टर मतलब विनाश करना होना, आने वाला जो विनाश था उसका इंडिकेशन हमको मिल गया कि वो लगभग 6 बजे तक आ जाएगा, विद एन ओमिनस साइलेंस, बिल्कुल अशुभ शांति के साथ, ये समुद्र बिल्कुल शांत था, उनको दिखा रहे यार ये तो बड़ा शांत हो गया, लेकिन उनको लगा अगर समुद्र शांत है तो ज़रूर उसकी वेव्स ऊपर उठ के आएंगी, उनको आइडिया लग गया। द विंड ड्रॉप्ड, जो हवाएं थी बंद हो गई, एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था जल्दी काला काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोलिंग रोर, फिर ग्रोलिंग रोर, ग्रोल करने की जैसे हवाएं टकराती हैं उसकी आवाज़ आने लगी, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक इनॉर्मस बहुत बड़ा क्लाउड जो बादल था बिल्कुल टावर की तरह खड़ा हो गया शिप के सामने, विद हॉरर, डर से, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने रियलाइज किया कि एक क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये तो पानी से उठी हुई लहर थी जिसको मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, इतनी ऊंची उठी थी ऐसे लग रहा था बादल हो। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल खड़ी हो, बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो जो पहले की जो वेव्स आ रही थी यानी कि 15 मीटर के आसपास आ रही थी पहले की वेव्स, उससे डबल हो गई, यानी कि लगभग 30 मीटर की वेव्स हो गई, इतनी ऊँची वेव, सोचना 30 मीटर वेव्स कितना होता है, आपका जो घर है ना, आपका घर 10-12 या 14 फिट पे होता है, और 12-14 फिट का मतलब 3 मीटर की फिट पे आपके घर की छत है, और 15 फिट पे कितनी 3 मंजिल हो जाएंगी, 30 मीटर पे कितनी हो जाएंगी,
भाई 15 पे 30 पे 6 मंजिल, 6 मंजिला ऊंची लहर थी वो, बिल्कुल बादल के जैसी लग रही थी हैं। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत डरावना जैसे क्रेस्ट होती है ना, जो क्रेस्ट तो समझते हैं ना, अर्थ है, अर्थ के ऊपर की जो परत है उसको बोलते हैं, ऐसे लग रहा था परत टूट रही हो, टूटने की सी आवाज़ आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चंस को आप समझ लें। व्हाट वाज देयर इंडिकेशन फॉर द ओमिनस साइलेंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट डिड दे सी इन फ्रंट ऑफ देम नियर अबाउट 6 PM ऑन January 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज फाइनली अबाउट द वेव लाइक क्लाउड। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो वेरी मच।